फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक किसके अंदर आता है, टाइम एंड वर्क के अंदर आता है। इसके बारे में हमने एक टॉपिक कर लिया है, वो क्या था, मैन एंड डे का कंसेप्ट था। होपफुली आपको समझ में आया, अगर आपने देखा नहीं उसको देखो जाके, राइट। ओके, तो हम देखते हैं हम क्या करते हैं। एक टंकी लेते हैं जिसको हम सिस्टम्स बोल रहे हैं। इस टंकी में मान लो हमारे पास क्या है, दो पाइप है हमारे पास, मतलब क्या है, एक इनलेट के लिए है और एक एग्जिट के लिए। मान लो क्या है, ये एक्स है और एक क्या है, वाई है, राइट गाइस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीन केसेस लेंगे। केस वन में क्या बोल रहे हैं हम, मान लो एक्स जो एरो दिख रहा है मतलब फिल करता है, वाई क्या करता है, एम्प्टी करता है। मान लो एक्स को इसको फिल करने मान लो एम आवर्स लगता है, राइट। मतलब टंकी को, पूरा खाली टंकी को फिल करने में एक्स को, पाइप को हमारे पूरा टाइम कितना लगता है, एम आवर्स। तो एक घंटे में कितना पार्ट वो टंकी का फिल करेगा, डेफिनेटली 1/m। सेम टू सेम मान लो y को खाली करने में टाइम लगता है कितना, n आवर्स। तो 1 आवर में कितना वो खाली करेगा, ये आवर्स नहीं, आवर लेंगे, राइट, hr लेंगे, राइट। तो कितना खाली करेगा, 1/n। नाउ अब तीसरा केस लेंगे, मान लो x और y दोनों एक साथ, एक खुला है और एक क्या है, मतलब एक फिल कर रहा है और एक क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तब क्या होगा, 1 आवर में कितना पार्ट वो क्या करेंगे, फिल करेंगे या फिर वो ख़त्म करेंगे, वो तो डिपेंड करेगा कैसा हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/m - 1/m। इसका कैलकुलेशन करो, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकाल लो, काम बन जाएगा। यहाँ पर कंसेप्ट लगता है रेसिप्रोकल का, वो बताऊंगा आपको। जैसे क्वेश्चन आपको 10 बजे सॉल्यूशन दूंगा, आपको डिटेल सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आपको मैं शेयर करने वाला हूं। गेट में इससे इतना क्वेश्चन तो आया नहीं, एक दो बार पूछा गया रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इसका मार्क्स आप इजीली ले सकते हो, राइट गाइस। तब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये किसी बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया था, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आप प्रैक्टिस कर लो, इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आप खुद पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो 10 बजे अपलोड करूँगा उसमें दूंगा। आप उस वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा पूरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। और डिटेल सोल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो का, मतलब इस क्वेश्चन का। और होपफुली आप में से बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर आप सोल्यूशन निकाल लेते हो तो इसका जो सोल्यूशन है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है या डी है, नीचे कमेंट में बताओ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एट 10 o'clock फॉर गेटिंग सोल्यूशन। बाय बाय।